फलौदी के मुखेरी निवासी कांग्रेस के युवा नेता व ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव फारूक अब्दुल्ला गिराज ने संगठन के प्रदेश सचिव पद पे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हुसैन नीलकर को भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फारूक अब्दुल्ला गिराज कांग्रेस पार्टी कमर व जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं, जिसके चलते उन्हें ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन इस पद पर कार्य करते हुए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासकर संगठन द्वारा अब्दुल्ला की अवहेलना ने अब्दुल्ला को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि स्वयं फारूक अब्दुल्ला ने तो इस्तीफे को दे लेकर पारिवारिक व्यवस्था बताया है। इसके साथ ही लेकिन उनके हाव-भाव से पार्टी के प्रति नाराजगी साफ देखी जा रही है, जो आने वाले समय में फलौदी कांग्रेस का स्वास्थ्य खराब कर सकती है। ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पद से कुछ पारिवारिक स्थितियां भी थी, कुछ मेरे क्षेत्र में बड़ी समस्याएं थी। जब जब मैं क्षेत्र में जाता था, एक महीना हुआ है मुझे प्रदेश सचिव बनाए, लेकिन एक महीने में मैं कई जगहों पर गया हूं तो पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं आ रही थी। तो मैंने वहां के लोगों से भी बात की और समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है जल्दी। तो मैंने लोगों की सुनते हुए, जनता की आवाज़ को सुनते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और मैं लोगों से बढ़कर मुझे जो प्रेम मिल रहा है उससे बड़ा मुझे कोई प्रेम नहीं है। पद से इस्तीफा और इसके बाद में आगे कुछ क्या स्टेप ले सकते हो आप? इसका सर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जनता कहेगी वो मैं करूंगा। और मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ हूं।